वेलकम बैक टू माई चैनल मिस्टर एंड मिसेस बर्मन। आज मैं आपके साथ में मसाला भिंडी की रेसिपी शेयर करूंगी जो झटपट बनके तैयार हो जाती है। यहाँ मैंने भिंडी काट धो के काट के रखी हुई है और मिर्चें मैंने लंबी लंबी साबुती रखी है ताकि मुँह में ना आए। भिंडी के साथ साथ मैंने प्याज भी बारीक बारीक काट के रखे हुए हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई जब गर्म हो जाए तो उसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल, ये सरसों का तेल है। और तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा उसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जैसे जीरा चटकने लगेगा तो उसमें डालेंगे हम प्याज। प्याज को मैं ज़्यादा भूनती नहीं हूँ, हल्का सा ये ट्रांसपेरेंट हो जाए उसके बाद ही मैं इसमें भिंडी डालूँगी। ये मैंने करीब 5 मिनट इसको पकाया, उसके बाद में अब मैं भिंडी यहाँ पे ऐड करूँगी। भिंडी को अच्छे से मिला के मैं इसको ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए। पाँच मिनट भिंडी को ढक के पकाने के बाद में मैं इसे खुला ही पकाऊँगी। अब 10 मिनट के लिए मैं इस भिंडी को खुला पकाऊंगी। भिंडी जब थोड़ी सी गल जाएगी उसके बाद ही मैं इसमें बाकी चीज़ें डालूंगी। देखिए भिंडी काफ़ी हद तक पक चुकी है। यहाँ पर एक टमाटर डाल दूंगी काट के। साथ ही मैं मसाले भी डाल दूंगी ताकि भिंडी और मसाले दोनों साथ में अच्छे से पक जाएंगे। यहाँ पे पहले मैं सबसे पहले 1 चम्मच हल्दी डाली है, उसके साथ में 1/2 चम्मच मिर्ची और 1.5 चम्मच हरा धनिया पाउडर। 1/2 चम्मच धनिया। यहाँ पे मैं सभी मसालों को मिक्स करके वापस से ढक दूंगी 5 मिनट के लिए ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए और मसाले भी भिंडी में चले जाए। टमाटर गलता रहेगा। भिंडी की सब्जी को 5 मिनट ढक के पकाने के बाद में आप देखिए ये भिंडी तैयार हो चुकी है। अब मैं इस स्टेज पे यहाँ पे देखिए मेरी भिंडी अब पक चुकी है। लास्ट में मैं इसमें नमक डालती हूँ क्योंकि भिंडी में स्टार्टिंग में अगर नमक डाल दो तो वो पानी छोड़ देती है, इसलिए मैं लास्ट में डालती हूँ। नमक डालने के बाद में मैं इसे 2-3 मिनट और इसे पकाऊंगी। ये मेरी भिंडी रेडी हो चुकी है खाने के लिए। मसाला भिंडी देखिए झटपट बन जाती है बहुत ही, और ज़्यादा झंझटबाजी भी नहीं होती इसमें बनाने में, और खाने में भी बहुत स्वाद लगती है भिंडी। प्लीज़ आप भी मेरी रिक्वेस्ट पे एक बार ये भिंडी ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। भिंडी के साथ साथ मैंने रोटियाँ भी बना ली थी, गरम गरम भिंडी और गरम गरम रोटी भी बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।